वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर न्यू ब्लॉग आज अबू के फ्रेंड के घर से मिठाई आ गई वो खाई और कल वाले ब्लॉग मैंने पार्ट वन अपलोड किया था किचन क्लीनिंग का आज उसका ही पार्ट सेकेंड अपलोड कर रही हूँ अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा पार्ट वन तो वो जाके देखें और यहाँ जी कैबिन वगैरह सारे साफ़ कर लिए क्लीन कर लिए ऑर्गेनाइज कर लिए उसके बाद चूल्हे की बारी आ गई ये तो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक बेचारा यूज़ होता है और फिर वो डेली साफ़ भी होता है लेकिन एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हफ्ते में लाजमी कर लेनी चाहिए तो ये जो लेफ़्ट साइड का बर्नर थोड़ा आ, सा ब्राउन सा हुआ हुआ है ये अम्मी एक दफ़ा इसको अच्छी तरह क्लीन करने के लिए इसको ओ, खोला और वो पता नहीं क्या हुआ आग सी निकली और ना वो बर्नर सारा ख़राब हो गया और आग की वजह से थोड़ा सा जल भी गया इसके जो स्टैंड थे वो भी काफ़ी काले हो गए तो साथ साथ हाथियों ने फ्रिज की जो चीज़ें हैं वो निकालनी हो जिस तरफ से हम चीज़ें सेट से करने लगते थे जिमल अपना वॉकर लेके वहाँ आ जाती थी कि मुझे भी दिखाओ आप क्या कर रहे हो तो यहाँ से सारी फ्रिज हो गई खाली हो अम्मी इन सबको वॉश कर लेंगी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें तो यहाँ जी सारी हो गई फ्रिज से सारी चीज़ें वगैरह निकाल ली निकालनी अच्छा ये फ्रिज के अंदर हमारी पानी पता नहीं कहाँ से आ जाता है उधर हमारे घर जो फ्रिज है वहाँ भी नहीं आता और पहले जो हमारी फ्रिज थी उसमें भी नहीं आता था तो ये पता नहीं क्यों आ जाता है तो यहाँ जी जो स्टैंड हैं उनको अम्मी ने काला तेल लगा दिया कुछ टाइम के लिए इनको रख दिया ये काले तो वैसे परमानेंट ही रहते हैं लेकिन साइड पे जो निशान बने वो साफ़ हो जाते हैं क्योंकि जब चूल्हे का वो आग की वजह से ख़राब हुआ तो ये परमानेंट ही हो गए फिर तो यहाँ जी मैंने साथ साथ ओवन की सफ़ाई शुरू कर दी और ओवन काफ़ी ज़्यादा पुराना है लेकिन काम बिल्कुल ठीक करता है बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा करता है जो मेरे वाला ओवन है ना उससे तो ज़्यादा ही जल्दी चीज़ को गर्म कर देता है तो कलर वग़ैरह इसका थोड़ा येलो येलो सा हो गया लेकिन काम परफेक्ट है कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड तो पुरानी चीज़ों की अपनी ही वैल्यू है अच्छा यहाँ भी ना ओवन के अंदर वो कॉर्नर पे ना एल्फी गिर गई है वो पता नहीं कैसे गिरी और वो भी निशान परमानेंट ही हो गया है तो यहाँ जी साथ, साथ सारी वो अम्मी वॉश कर लेंगी और बाद में इनको ड्राई करके फ्रिज को साफ करके अंदर रख देंगे उधर हमारे घर में आंटी और अलीजा लगे रहते हैं काम में और इधर मैं अम्मी और हादिया मिल कर लेते हैं तो कभी हादिया कुछ कर रही थी मैं कुछ कर रही थी अम्मी भी अपना काम कर रही थी तो बस जल्दी जल्दी से काम समेट रहे थे रात भी हो गई थी खाना वगैरह हमने खा लिया था और पुरानी चीज़ों की तो जितनी हिफाजत आप कर सकते है न, कर हैं ना उनकी करें क्योंकि आजकल वैसी चीज़ें मिल भी नहीं रही हैं। और रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं ओवन मेरा हो गया साफ इसके ऊपर जो शीट्स थी उसको भी मैंने अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ़ किया और उसको सेट करके रख दिया ये शीट ना थोड़ी सी ओवन पे बड़ी है तो फिर जो एक्स्ट्रा थी ना वो मैंने बैक साइड पे कर दी और ये टिशू बॉक्स को साफ़ किया इसको रखा साथ मैंने ये डेकोरेशन पीस रख दिया अच्छा यहाँ पर हमने कोई सीनरीज वगैरह नहीं लगाई हुई वो वैसे ही पड़ी हैं तो ये एक मेरे हाथ में आया तो मैंने उठा के ना ओवन पे रख दिया यहाँ अम्मी की ट्रेज वग़ैरह धुल गई थी फिर अम्मी ने फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ किया और इसकी सफ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंदर तो फिर हमने अपनी खाने पीने वाली चीज़ें रखनी होती हैं और ये साफ़ ना हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता तो ये जी पानी का क्या मसला है अगर आपको किसी को पता हो कि ये क्यों आता है तो लाजमी बताइएगा फ्रिज हालांकि ज़्यादा पुरानी नहीं है इसको तकरीबन डेढ़ साल शायद हो गया है इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है तो यहाँ जी सारी चीज़ें दोबारा से सेट करेंगे हम बस भागम भाग अपना काम जो है समेट रहे थे अच्छा अम्मियों को फ्रिज में जो चीज़ें होती हैं ना उसका बड़ा उसकी फिक्र होती है कि वो ख़त्म कर दो वो फ्रिज में पड़ी हैं फ्रिज भरी पड़ी है और चीज़ें जो है पड़ी रहती हैं आप लोग खाते नहीं हो ये हर घर में होता होगा तकरीबन पिछले घर में हमारे कैबिनेट्स का कलर चेंज था लेकिन इस घर में ना ये फ्रिज का कलर और कैबिन्स का कलर मैच हो गया तो ये अच्छा लगता है यहाँ जी अंडे धो के रख दिए आलू पड़े थे उनको वॉश किया और बाकी सारी चीज़ें रखी तो ये हो गई थी फ्रिज की टीप क्लीनिंग यहाँ जी विंडो के पास काफ़ी मिट्टी हो गई थी तो इसको अच्छी तरह साफ किया और ये जो है ना एलुमिनियम की जो विंडोज़ होती हैं इनको साफ करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना इनकी जो वो छोटी छोटी लाइनों के अंदर इतनी मिट्टी सी फंस जाती है तो यहाँ इस दूर में तो थोड़ी है ये वाली विंडोज़ पिछले में बहुत ज़्यादा थी तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से करते थे तो ये अम्मी ने हेयर ब्रश ले लिया ये स्पेयर एरिया विंडोज़ के लिए ही रखा हुआ है तो अंदर से अच्छी तरह मट्टी निकाल ली और डेकोरेशन पीसीज को वॉश करके इनको ड्राई कर लिया साथ साथ अम्मी ने प्याज़ों वाली टोकरी जो है उसको खाली किया और वो भी कर ली आज इस दफ़ा तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डीप क्लीनिंग की हर चीज़ को जो है दोबारा से सेट किया ये ऊपर एक स्टोर में शीट पड़ी थी तो मैं और हाथिया वो ले किया उसको इसके हिसाब से कट किया और फिर उसके ऊपर डेकोरेशन पीसीस रख दिए तो इसके बगैर ना विंडो रफ सी लग रही थी तो ऐसे ना थोड़ी सी नीट हो गई और मुझे तो ये स्टाइल जो है बहुत प्यारा लगा प्याज़ों वाली टोकरी को अच्छी तरह ड्राई किया उसके बाद हादिया ने क्लीनर बना लिया इसके अंदर हमने डाला सिरका ग्लिंट ग्लिंट कंपलसरी नहीं है इतना अगर आपके पास है तो डाल ले नहीं तो नहीं सरफ़ डाल लिया नमक डाल लिया मीठा सोडा हमारे पास था नहीं अगर वो होता तो वो भी लाजमी डालते दो चम्मच लेमन मैक्स का डाल लिया और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉटल में डाल दिया अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो इससे सारे कैबनज़ कैबिनेट्स और शेल्व्स वग़ैरह साफ़ करेंगे यहाँ जी टोकरी ड्राई हो गई थी हाथों ने उसको अरेंज किया इसके अंदर हमने पेपर लगाया और फिर इसके अंदर वो लहसन प्याज रख दिए पहले ज़माने में स्टील की चलती थी अब प्लास्टिक की आ गई हैं कुछ साल और गुजर गए तो शायद शीशे की इस्तेमाल होने लग जाए यहाँ से सारी चीज़ें दोबारा रख ली इसके बाद लास्ट जो काम था ना वो फ़ाइनल क्लीनिंग ऑफ द शेल्व्स एंड कैबिनेट्स थी तो ये स्प्रे जो है इतना मैजिकल है ना बहुत ज़्यादा मज़े वाला है इतनी देखिए शाइन आ जाती है ना टाइल्स के अंदर तो ये तो मैं हाइली रिकमेंड करूँगी कि आप ये जो सारी चीज़ें हैं हर घर में अवेलेबल होती हैं और आप लाजमी मिक्स करें वैसे भी किचन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन अगर किचन ओपन हो तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि किसी भी आने वाले को जो है बुरा ना लगे साफ सुथरी हर चीज़ हो तो ये एक ना मुझे ज़्यादा कोई पसंद नहीं है ओपन किचन थोड़ा सा क्लोज़ होना चाहिए थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए और ये जो कैबिनेट्स हैं ना इनके ऊपर तो इतने निशान बनते हैं इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनके घर में ऐसे के लगे होंगे वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये अगर एक दिन हम साफ़ करते हैं ना तो दो तीन दिन बाद दोबारा वैसे ही निशान बन जाते हैं बहुत प्रोमिनेंट भी होते हैं क्योंकि डार्क कलर है कैबिनेट्स का और फिर वो इतने ज़्यादा वाजे नज़र आते हैं और बुरे भी लगते हैं तो यहाँ जी हमने कैबिनेट्स को अच्छी तरह साफ़ कर लिया और उसके बाद ये है जी फाइनल लुक हमारी सारी क्लीनिंग हो गई थी आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा इसी तरह अपना प्यार जो है दिखाते रहें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं या व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ के तो मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है तो ये है जी बर्तनों वाली रैक है और साथ टोकरी रखी हुई है जैसे अब रात के बर्तन धुल गए सुबह उठ के सबसे पहले इनको खाली करेंगे ताकि टोकरी जो है अगले दिन के बर्तनों के लिए रेडी हो जाए तो रात हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यह विंडो लाइट का एक व्यू चेक करवाऊँ तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लॉग में अल्लाह हाफिज़